ज्यादा सपोर्ट करती हैं और इसीलिए शायद मैं इतना क्वालिफाई हुआ कि इतने बड़े लीजेंडरी डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए ऊपर वाले ने मुझे चूज किया। जैसे चिन्मय जी ने बताया कि कैरेक्टर आपको चुनता है, आपको कैरेक्टर चुनने की जरूरत नहीं है। संतोषी जी, आई गॉट टू क्वेश्चन हियर इन। एक पूछना था कि चिन्मय जी आपका फर्स्ट चॉइस थे गोरसे की भूमिका के लिए। फर्स्ट चॉइस बिकॉज कई लोग भी, जो मैंने भी पढ़ा कि हम, मैं शायद किसी राजकुमार राव को कंसिडर कर रहा हूँ। बहुत अच्छे कलाकार है राजकुमार राव, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये तय करते ही ये फिल्म बनानी है, मैंने सोच लिया था कोई भी इस्टेब्लिश एक्टर या स्टार को नहीं लूँगा, नए लोगों को ही लूँगा। तो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर ने इनका जिक्र किया, तो जब मुझसे मिले थे, पूरी दाढ़ी मूछी वगैरह थी, कोई रोल कर रहे थे, शायद शिवाजी कर रहे थे, पता नहीं कौन से कर रहे थे, बट मैं, मुझे इनकी आंखें दिखाई दी, दाढ़ी मूछी के अलावा उनकी आंखें दिखाई दी। बात करते हुए एक ईमानदारी लगी उनके बाद में, सिंसेरिटी लगी कि अच्छा काम करना चाहते हैं। अब वही मैं आर्टिस्ट में ढूंढता हूँ। ये बाद में मुझे पता चला कि एनएसडी के स्टूडेंट है। एनएसडी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बड़े बड़े अच्छे अच्छे एक्टर दिए एनएसडी ने। आप बहुत ही बेहतरीन एक्टर है और आप लोग सब देख चुके हैं, मैं क्या कहूँगा। मेरे लिए तो ये है कि मेरा सौभाग्य है कि दीपक अंतानी जी एंड चिन्मय, ये दो ऐसे एक्टर, और ये मैं कहना चाहूँगा कि फिल्म पैंडेमिक के टाइम पे बनाई, इसीलिए 2 साल लग गए हमको पैंडेमिक के टाइम पे, सारे प्रिकॉशन लेकर धीरे धीरे बनाते गए और फाइनेंस भी इकट्ठे कर रहे थे, साथ साथ में पैसे भी जोड़ते जा रहे थे, कोई मिल जाए कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा दे दे, फिर 4 दिन की शूटिंग उस तरह से किया। तो सारे आर्टिस्ट टेक्नीशियन ने फिल्म का पूरा सहयोग दिया, तभी ये फिल्म कंप्लीट हो पाई है। मैं सबके लिए दिल से थैंक्स कहूँगा, शुक्रगुजार हूँ सबके लिए।